यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज कसरवल आंदोलन की 8वीं वर्षी के मौके पर निषाद पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान भारी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एसीपी और एसीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निषाद समाज से जुड़ी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और सरकार की ओर निषाद समाज के लिए किए गए कार्यों को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया। वहीं इस मौके पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कसरवल आंदोलन मछुआ समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है, साथ ही यह आंदोलन पूर्व की सरकार की विफलता और मछुआ विरोधी होने का भी प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार मछुआ समाज पर आरक्षण की आवाज उठाने को लेकर पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने लाठीचार्ज और फायरिंग की थी, वो उनका मछुआ समाज विरोधी चेहरे को दर्शाता है। आज केंद्र प्रदेश सरकार मछुआ समाज के हित में कार्य कर रही है, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष, निषाद राज बोट योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना समेत अन्य योजनाएं प्रदेश में संचालित है, जिससे प्रदेश के मछुआ समाज में विकास संभव है। हमारा जन्मदिन है 7 जून 1965 को मनाने के लिए हमारे लोग संत कबीर नगर गए थे कसरवल में, और उसी हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारे लोग बातचीत कर रहे थे। पिछली सरकारों ने सीधे जिस तरीके से अंग्रेज जहां पाते थे भून देते थे, वैसे ही 6 घंटे गोली चलाई, और उस समय मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद। उस वीर अखिलेश निषाद के जो खून का कर्जा है उसके सपनों को साकार करना मेरा काम है, और हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश में। आज जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि मझवार हमारे अनुसूचित जात का हकदार है। 1961 में हमारी गिनती हुई थी केवट मल्लाह का मझवार में, कश्यप कहार का तुरैया में, हम जो है 70 लाख थे। पिछली सरकारों ने के हाथ में सत्ता दिया, उनका टोपी झंडा लगाए, उनका बटन दबाया, उनको सरकार में बैठाए, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी बैठाए, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी, लेकिन मेरे आरक्षण की फाइल गायब करा दिया, मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, सपा के सहयोग से, बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, हमारी गिनतियाँ लगातार घटाते घटाते 7,000 कर दिया। 1991 में हमारे उपजातियों को पिछड़ी जात में डाल दिया, ये हमें डालते थे, बसपा उस पर स्टे लगाती थी। हमारे 30 सालों से हमारे नौकरियों पर डकैती डाली गई है। आज वो मझवार के आरक्षण को, पिछली सरकार में हम लोग जाते थे ज्ञापन देने तो डंडे गोली खाते थे, मारे जाते थे, आज हमारी सरकार है, आज मोदी जी उस आरक्षण के विषय पर चिंतन करते हैं, ज्ञापन लेते हैं, हमारे गृहमंत्री जी हैं। 18 दिसंबर 2021 को रमादेवी पार्क में 17 तारीख को रैली हुई थी, 18 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री जी ने RGI से कहा, एक पत्र लिखा 20 दिसंबर 2021 को कि भाई केवट डॉक्टर संजय कहता कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, कागज दिया, इस पर दिशा निर्देश दिए, दिशा निर्देश RGI ने लिख के दे दिया कि नहीं 1961 में गिनती हुई थी, सही है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय में ये मामला उनके अधीन है। सामाजिक न्याय मंत्री ने कह दिया कि मझवार के मेंबर्स जितने हैं, कम्युनिटीज़ के जितने मेंबर उन्हें मिलना चाहिए। अब हमारा मामला गृह मंत्रालय पर है, हम पूरे प्रदेश से ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हमने 2019 में सरकार बनाई, 2022 में बनाई, 2023 में भी हमने नगर पालिका का, जितने बड़े बड़े महानगर हैं वो नदियों के किनारे, हमारी 18% आबादी है, मेरा मछुआ समुदाय गौरवान्वित है, आज उसका ज्ञापन प्रदेश में दिया जा रहा है, और सरकार को धन्यवाद भी दिया जा रहा है कि मेरे पर्यटक स्थल घोषित किया निषाद राज के किले को। आज दो काम हो रहा है, ज्ञापन भी दिया जा रहा है मांग पत्र का आरक्षण के, और अपना जो तालघाट नदी है, हमारा जो पुश्तैनी छीना था अंग्रेजों को, वो हमें सम्मान चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, और मैं एक धन्यवाद दे रहा हूँ कि पर्यटक स्थल घोषित किया निषाद राज के किले को, मान सम्मान स्वाभिमान मेरा बढ़ा है, उस पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निषाद राज गुराज महाराज के है, सांस्कृतिक विभाग से उसका कार्यक्रम हो रहा है, वो जंगल से मंगल हो रहा है। आज के दिन में 9 बड़े बड़े काम हुए हैं, आज मछुआ समुदाय को लोग केवटा मल्लावा नहीं कहते हैं, अब निषाद जी कह के पुकारते हैं, हमारे बच्चे भी आज के दिन में निषाद पार्टी है, एक विधायक थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, 11 विधायक विधानसभा में, विधान परिषद में मैं सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, दोनों सदनों में इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, इनको काम हो रहा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई, और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आज का ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपये उन्होंने हमें दिया, हमारे मछुआ पूरे देश के आवाज़, पिछली सरकार केवल 1 साल में 40 करोड़ देती थी, आज 6 साल में 26,000 करोड़, आज के दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारकों को हम 3,20,000 रुपये हर
दो हेक्टेयर पर दे रहे हैं, फिर हम हर साल उनको 2000 नाय देंगे, हम गरीबों के लिए रक्षा जैकेट दे रहे हैं, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है कि हमने जिस समुदाय के लिए संघर्ष किया था, मेरा सदियों से उजाड़े गए हैं अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों ने नीतियाँ बना के उजाड़ी, नदियों ने उजाड़ा, इन्हें बसाने के लिए मकान के लिए हमारे पास मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई है, अब वो धरातल पर आ गया है, शासनादेश हो गया, पोर्टल पर आवेदन हो रहा है, हम उनको मैरिज हॉल दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं, इलाज के लिए दे रहे हैं, शादी विवाह के लिए, उनके बच्चों को ज्ञानवान बनाया जाएगा और ट्रेनिंग देकर अपनी अनुदान देकर धनवान बनाएगा, ये हमारे वहाँ चल रहा है, 15 तारीख तक आवेदन होगा। आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर मेरे विभाग के द्वारा हेचरीज जो है आई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए हमारा, तो उसके वजह से हेचरीज का सुंदरीकरण हुआ है और उसमें बड़े बड़े काम हो रहे हैं और हम इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अपने विभाग को आगे ले जा रहे हैं। आज के दिन में मंत्री जी एक सवाल ले लीजिए, आज अरविंद